नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। ऐप कैब ने बढ़ाया किराया। कैब ने कहा, एसी चालू रखे कैब ड्राइवर्स। महानगर के सबसे बड़े ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स में से एक उबर ने पिछले कुछ दिनों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद किराए में 12% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी ने दावा किया है कि संशोधन उनके प्लेटफॉर्म के तहत ड्राइवरों के लिए प्रत्येक यात्रा से टेक होम राशि में वृद्धि करेगा और उनकी कमाई को ठीक करने में मदद करेगा। उबर ने अपने ड्राइवर्स पार्टनर्स को भी जागरूक किया है और कहा है कि इस संशोधन के बाद उन्हें यात्रियों के लिए अपने एसी को हमेशा चालू रखने की जरूरत है। मवेशी तस्करी मामले में अनुव्रत को सीबीआई ने 5वीं बार तलब किया। अब नहीं है हाईकोर्ट का रक्षा कवच। सीबीआई की टीम ने मवेशी तस्करी के एक मामले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल को 5वीं बार पूछताछ के लिए तलब किया है। तृणमूल के बीरभूम अध्यक्ष को 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इससे पहले मंडल को 14 और 25 फरवरी तथा 4 और 14 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। कई बार बुलाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक बार भी सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए। रमजान का चांद दिखा। रमजान के चांद का दीदार हो गया है। आज पहला रोजा रखा जाएगा। मस्जिद ना खोदा मरकाजी रियात ए हिलाल कमेटी की ओर से शनिवार को बताया गया कि रमजान उल मुबारक 1443 का चांद दिख गया है। आज से रमजान शुरू हो रहा है। आज पहला रोजा रखा जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान रमजान के पवित्र महीने को मनाते हैं। रामपुर हाटकांड के अभियुक्तों से पूछताछ में अब साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेगी सीबीआई। 9 अभियुक्तों की फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएगी सीबीआई। कई सच से अभी भी नहीं उठ रहा है पर्दा। जले हुए मकानों में जाकर सीबीआई की टीम ने की जाँच। रामपुर हाट हिंसा को सीबीआई की टीम जितनी जल्दी सुलझाना चाहती है, यह और ज्यादा उलझती जा रही है। अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्यों इन ग्रामीणों से अभियुक्तों की इतनी अधिक दुश्मनी थी कि उन्हें जिंदा जलाने तक ये अभियुक्त उतारू हो गए थे। कई सवाल सीबीआई की डायरी में हैं, जिनकी तलाश के लिए सीबीआई अधिकारी अब साइकोलॉजिस्ट का सहारा ले रहे हैं। एक नज़र जिलों की खबरों पर। मिठुन ने आसनसोल वासियों से की अग्नि मित्रा को जिताने की अपील। कहा, मुझे मानते हैं तो मेरी अग्नि को विजयी करें। जाने माने अभिनेता और भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने आसनसोल उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार अग्नि मित्रा पॉल को जिताने के लिए जनता से अपील की। मिठुन ने कहा कि अगर जनता मुझे मानती है तो इस चुनाव में अग्नि को जिता दे। दरअसल मिथुन को अग्नि मित्रा के चुनावी प्रचार के लिए आसनसोल आना था, मगर शारीरिक अवस्था ठीक न होने के कारण उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसनसोल की जनता से वोट की अपील की। कथा बोलछी आपनादेर मेये आपनादेर बोन आपनादेर अग्निर जन्य अग्नि मित्रा पॉल जे आमादेर बीजेपी कैंडिडेट अग्नि के आपनारा चेनेन आर आमि एई जन्य भालो करे चिनि के আমার সঙ্গে ওর ভাই বোনের সম্পর্ক। এই আমার এই সফরে আমি অনেক রিশতা দেখলাম, ভাই বহনো কা রিশতা। জব ওয়াক্ত খতম তো ভাই বহন কা রিশতা ভি খতম। লেকিন ইয়ে লড়কি এই মেয়েটি অগ্নি আমার সাথে যে সম্পর্ক ভাই বোনের এখনো পর্যন্ত অবধি সেটা কেউ বহন করে চলেছে। এমন একটা দিন নেই যে ও ফোন করে ভাবিকে জিজ্ঞেস করে না, ভাবি দাদা কেসে হ্যাঁ, দাদা কেমন আছে, শরীর ভালো আছে কিনা, সব ঠিক আছে কিনা। আপনি তাহলে ভাবুন তো, একটা মেয়ে যে শুধু এই সম্পর্কটার জন্য, ও আমার থেকে ওর কিছু নেওয়ার নেই, কিন্তু ওই রিশতাটাকে মেনটেন করার জন্য, আমি কেমন আছি এটা জানার জন্য ও সর্বদা আমার সুখে দুঃখে সব সময় ও আমার সাথে আছে। টাইম পে মেরে ভোরের বক্ত পর হর বক্ত ইয়ে লড়কি মেরে সাথ। আমি ওকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না, আমি কোনোদিন অগ্নিকে ভুলতে পারবো না। অগ্নি আমার জীবনের একটা বোন আর জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। তাহলে ভাবুন, ও যদি এই একটুকু সম্পর্কের জন্য আমাকে মনে রাখতে পারে, তাহলে আপনাদের জন্য ও কি না করতে পারে। আইয়ে রুখ করতে হ্যায় দেশ দুনিয়া কি খবরো পর। पाकिस्तान में कयामत की रात। विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करने की तैयारी। किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। आज का राशिफल। कोलकाता 3 अप्रैल
राशि तिथि 13 चैत्र 1944। मेष राशि, किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। घर परिवार के साथ खान पान के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। मन में उत्साह का संचार रहेगा। वृष राशि, मानसिक शांति बनाए रखते हुए कोई भी निर्णय अपनों के राय परामर्श में ले, हड़बड़ी से बचे। मिथुन राशि, आनंददायक स्थिति बन सकती है। पुराने इष्ट मित्रों के साथ खान पान के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। परिवार में शांति रहेगी। कर्क राशि, मानसिक शांति बनाए रखते हुए अपनों के राय परामर्श में रहें, विश्रामदायक स्थिति बन सकती है। सिंह राशि, सामान्य दिन बने रहने की आशा है। मन में कभी कभी उत्साह की कमी का अनुभव कर सकते हैं, तनाव से बचे। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए किसी भी विवाद से बचे, अपनों के राय परामर्श में रहें। तुला राशि, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है। खान पान के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, कोई रुका काम किसी आत्मीय के सहयोग से संभव है। मन में उत्साह का संचार रहेगा। धनु राशि, दिन मनोरंजन प्रधान बने रहने की आशा है। पुराने इष्ट मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। मकर राशि, दिन हैरानी भरा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए तनाव मुक्त रहने की चेष्टा करें। कुंभ राशि, शारीरिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए अपनों के राय परामर्श में रहें। परिवार में शांति रहेगी। मीन राशि, आमोद प्रमोद में दिन व्यतीत होने की आशा है। पुराने इष्ट मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।